हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवा ब्लॉगिंग में। दोस्तों, आज का ब्लॉग कुछ ज़बरदस्त बनने वाला है। दोस्तों, आज मैं आया हूँ अपने फ्रेंड के घर और मैं आपको कुछ ऐसी कीमती चीज़ें दिखाऊंगा जो कि शायद आपने बहुत कम देखी होंगी, तो प्लीज़ देखें। हाँ तो दोस्तों, ये है जो कि आप देख पा रहे होंगे, एक पेड़ जो हरा भरा पेड़ है, जो किस चीज़ का पेड़ है? हाँ तो दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो पेड़ है, ये पेड़ है चंदन का। चंदन का पेड़ है जो कि आप देख, आप ज़्यादातर आप जानते होंगे कि जो कि मंदिरों में जो कि हम तिलक लगाते हैं जिसका, चंदन का, उस चीज़ का पेड़ है। और दोस्तों, कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो कि ये जो लग पड़ा है, फलता है, जो कि साल में दो बार फलता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि इस साल ये फला है और धीरे धीरे जो अभी स्टार्ट हुआ फलने, ये फलता है। इसमें छोटे छोटे जैसे फल की तरह लगते हैं छोटे छोटे। हाँ तो दोस्तों, जो अभी स्टार्ट ही हुआ है, जो अभी थोड़े दिनों में काफ़ी बड़े हो जाएंगे, फल जाएगा पूरा। तो दोस्तों, जो साल में दो बार फलता है, यानी 6 महीने के बाद फिर फलता है, यानी साल में दो बार। तो दोस्तों, जो है चंदन, जिसको कि सफ़ेद चंदन बोला जाता है, जो कि हम मंदिरों में ज़्यादा जाए उसका तिलक का तिलक लगाते हैं, जिसके लिए इसका प्रयोग करते हैं, ये है सफ़ेद चंदन। दोस्तों, ये मेरे दोस्त के घर में लगाया हुआ है पेड़। आज मैं अपने दोस्त के घर आया था तो मैंने देखा कि चंदन का पेड़ है, क्यों ना चंदन पे ब्लॉग बनाया जाए। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना चंदन पे ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि गांवों में ज़्यादातर चंदन का पेड़ बहुत ही कम दिखाई मिलता है, देखने को मिलता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैंने चंदन का पेड़ देखा तो क्यों ना इसका ब्लॉग बना लिया जाए। दोस्तों, ये चंदन का पेड़ है, सफ़ेद चंदन है, एक चंदन का पेड़ जो कि लाल चंदन बोला जाता है, वो भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, प्लीज़ आप देखें। जो कि अभी छोटा है, अभी जस्ट एक हफ्ता हुआ उसको लगाए हुए, काफ़ी छोटा है, जिसे कि लाल चंदन बोला, जो आप देख पा रहे होंगे, ये है लाल चंदन, जिसका तिलक लगाते हैं हम मंदिरों में ज़्यादातर, वो चंदन है, बहुत छोटा है, जस्ट एक हफ्ता हुआ इसको लगाए हुए। ये भी काफ़ी दिनों बाद, यानी ये 6 महीने बाद उसी की तरह हो जाएगा, बहुत ही जल्दी बड़ा होता है। हाँ तो दोस्तों, ये है पेड़, और बाकी आप इधर और भी पेड़ देख पा रहे होंगे। ये है नींबू का पेड़ जो कि देख पा रहे होंगे, और इधर दोस्तों और भी बहुत पेड़ हैं। ये एक नींबू का पेड़, ये भी है जो कि काफ़ी बड़ा है, अभी नींबू तो लगे नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है। और दोस्तों, एक पेड़ मैं आपको और दिखाता हूँ, जो कि है हींग, जिसे कि हींग बोला जाता है, ये भी जस्ट अभी थोड़े दिन पहले लगाया था, जो कि अभी छोटा है, हींग बोला जाता है इसे, हींग। हाँ तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे बाकी इधर का व्यू, आम का पेड़, काफ़ी बड़ा आम है, और इधर देख पा रहे होंगे सफ़ेदा, जिसके कि हम सफ़ेदा बोलते हैं, जिसकी सफ़ेदे की लकड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये सफ़ेदा है सारा, काफ़ी अच्छा व्यू है इधर का। दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप कितना मस्त व्यू है इधर का, देखो इधर, देखो आप खेत देख पा रहे होंगे, जो कोई फसल बोई है, मक्की की फसल बोई है खेतों में, अभी जस्ट छोटे छोटे मक्की दिखाई दे रही है आपको, अभी बारिश होगी तो थोड़े दिनों में बड़ी हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों कैसे लगा आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।